प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम नव्या शर्मा है और मैं कक्षा 11 ग्रीन पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओ जन्नत के वाशिंदों क्यों इतने लाचार हुए, ओ जन्नत के वाशिंदों क्यों इतने लाचार हुए, कहाँ तुम्हारी पत्थर ईंटें कहाँ सभी हथियार हुए, कहाँ तुम्हारी पत्थर ईंटें कहाँ सभी हथियार हुए, कहाँ गया जेहाद तुम्हारा पाक परस्ती कहाँ गई, कहाँ गए वो चांद सितारे नूरा कुश्ती कहाँ गई, कहाँ गई बाजार की बंदी दीन के फतवे कहाँ गए, केसर कहवा सेब और अखरोटी रुतबे कहाँ गए, पुण्य हिमालय की छाया में रहकर उसको गाली दी तुमने, तब तब छेद किए हैं जब जब हमने थाली दी, तुमने तब तब छेद किए हैं जब जब हमने थाली दी, खूब जलाया ध्वजा तिरंगा झंडा हरा उठाया था, लाल चौक पर जब जी चाहा तब कोहराम मचाया था, भारत के फौजी ना तुमको फूटी आंख सुहाए थे, नारे मुर्दाबाद हिंद के तुमने रोज लगाए थे, कुदरत कुछ नाराज हुई तो अल्लाह अकबर भूल गए, दाढ़ी टोपी तकरीरें लाहौर पिशावर भूल गए, अब क्यों चढ़े छतों पर घर की क्यों झोली फैलाए हो, जिन आँखों में नफरत थी क्यों उनमें आंसू लाए हो, अरे मोमिनों क्या अब भी आंखों पर पत्थर छाए हैं, अरे मोमिनों क्या अब भी आंखों पर पत्थर छाए हैं, देखो काफिर फौजी तुमको रोटी देने आए हैं, देखो काफिर फौजी तुमको रोटी देने आए हैं, कब तुमने इस भारत माँ को अपनी माता माना था, कब तुमने इस भारत माँ को अपनी माता माना था, और कहाँ कब संविधान को भाग्य विधाता माना था, कब तुमने दिवाली पर चाहत के दीप जलाए थे, कब होली पर अमन चैन के रंग यहाँ बरसाए थे, कब होली पर अमन चैन के रंग यहाँ बरसाए थे, कब तुमने जनगण मन में अपनी आवाज मिलाई थी, गीत मातरम वंदे में कब अपनी जन्नत पाई थी, तुमको तो हाफिज सईद के बोल सुहाने लगते थे, फटे फटे अजहर मसूद के ढोल सुहाने लगते थे, तुमको तो हाफिज सईद के बोल सुहाने लगते थे, फटे फटे अजहर मसूद के ढोल सुहाने लगते थे, कब तुमने अब्दुल हमीद की शौर्य कथाएं गाई थी, कब बोलो अब्दुल कलाम की तस्वीरें लहराई थी, केवल जन्नत की हूरों का इल्म सदा आबाद रहा, तुमको तो बस फिलिस्तीन इराक सीरिया याद रहा, सचिन कभी ना भाए तुमको अजमल अकमल याद रहे, भूल गए अशफाक हमेशा अफजल भटकल याद रहे, अमरनाथ में तुमने ही तो लंगर खूब जलाए हैं, इसीलिए तो लंगर में अब खाने के दिन आए हैं, देश का दाना पानी खाकर जब जब देश भुलाओगे, इसी तरह बारिश में तुम पानी पानी हो जाओगे, मत सोचो मैं नफरत वाले बीज उगाने आई हूँ, या फिर हिंदू को मुस्लिम से ही लड़वाने आई हूँ, मैंने बस वो पीर कही जो अंदर अंदर रोती है, क्यों जन्नत में जन्नत जैसी बात फरेबी होती है, चलो काश सैलाब तुम्हारे दाग सभी धो डाले जी, जिन आँखों में चलो काश सैलाब तुम्हारे दाग सभी धो डाले जी, आँखों पर नफरत का चश्मा उसको आज निकालो जी,
जिनसे तुमको नफरत थी वो प्यार लुटाने आए हैं, जिनसे तुमको नफरत थी वो प्यार लुटाने आए हैं। देखो काफिर फौजी तुमको रोटी देने आए हैं, देखो काफिर फौजी तुमको रोटी देने आए हैं। धन्यवाद। कविता के माध्यम से यहाँ उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। पीछे कुछ लोग वार्ता में व्यस्त हैं, उन्हें भी लपेटे में लिया जा सकता है, हम भी लपेटे में उनको ले सकते हैं। लपेटे में नेताजी फेम गौरव चौहान जी बातों में व्यस्त हैं, चलिए उनको होने दीजिए। हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और हाँ बिल्कुल लिपट गए आप। हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छी जो बच्ची ने कविता पढ़ी, बहुत सुंदर पढ़ी, बहुत आशीर्वाद मंच से मिला। चंद्रशेखर जी को विशेष धन्यवाद और बहुत ही बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम हम सबके लिए यहाँ आयोजित किया। और हाँ, तालियां बजा सकते हैं। जब बच्चे कहीं आगे बढ़ते हैं तो मुझे किसी की पंक्तियाँ याद आ जाती हैं, बच्चों के लिए देना चाहती हूँ कि तालियां नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, तालियां नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। और रखते हैं जो हौसला आसमान में उड़ने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। कुछ पंक्तियां चक्कर में, लेकिन मैं महिला हूँ और महिला हर बात का उत्तर देना चाहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से हूँ। और कवि और नेताओं को कुर्सी बहुत प्रिय होती है, हम कवियों को माइक। पता लगा हम टाइम ही भूल गए कि क्या टाइम, कितनी देर हमें यहाँ रुकना है। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे थे। कुछ पंक्तियाँ अपने परिचय की आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। क्रांति धारा मेरठ से होती हूँ, सुनिए। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई, भैया कोडलेस नहीं है क्या? क्रांति की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों से महक वाली कविता संपूर्ण मंच को सुनाती हूँ। शहीदों की चलो मिलकर के कुआत हो जाए, शहीदों की चलो मिलकर के कोई बात हो जाए। भले अब दिन निकल जाए, भले ही कहानी
तुम्हें कोई सुनाएगा अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हर दम बुलाएगा। सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा अगर एक बार खुद आओ तुम्हें बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और थोड़ा और उत्साह बढ़ा दीजिए। हम कवियों को तालियों की जरूरत होती है, विधाओं को तालियां प्रिय होती हैं, हम कवियों कलाकारों को तालियां प्रिय होती हैं। और कुछ और पंक्ति आप सबके बीच रखना चाहती हूँ और फिर मुझे लगता है समय की सीमाएं यहाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बोलने के लिए हैं। कुछ एक पंक्ति आपके बीच रखना चाहती हूँ गजल के चर्चे, फिर अपना स्थान लेती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं और बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए जरूर बजा रही हैं कि इतने पूरे अनुशासन के साथ डिसिप्लिन के साथ में उपस्थित हैं। सुनिए जवानी हो तो ऐसी हो हमारे
सिंगल मैन का, संपूर्ण मंच का और शिक्षिकाओं का, सभी का। ज्यादा मुझे सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे शुभम त्यागी, और अगर कोई लड़की का प्रोफाइल खुले तो निश्चित होकर देख लें, वो मैं ही होंगी, नहीं तो सारे लड़के खुल जाएंगे। मैं हिंदी हूँ, मेरी आंखों में उर्दू का उजाला है। मैं हिंदी हूँ, मेरी आंखों में उर्दू का उजाला है। मेरी आवाज दिलकश है, मेरा लहजा निराला है। मैं हिंदी हूँ, मेरी आंखों में उर्दू का उजाला है। मेरी आवाज दिलकश है, मेरा लहजा निराला है। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको एक गजल सुनाना चाहती हूँ, उससे पहले एक दो क्षण सुनाना चाहती हूँ। अभी कौमी एकता की बात मेरी बहन कर रही थी, मेरा भी फर्ज है कि थोड़ी बात मैं करूँ। मैं चार मिसरे हासिल करती हूँ, गौरव जी सुनिए। इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, इस तरह माँ के दूध की कीमत चुका
हाजिर करती हूँ। इंसानियत के आते हो ये मुल्क सबका है, इंसानियत के कातिलों ये मुल्क सबका है। आईने हिंद में कोई तरमीम मत करो, तुमने दिलों को बांटा है कुर्सी के वास्ते, तुमने दिलों को बांटा है कुर्सी के वास्ते। टुकड़ों में मेरे देश को तकसीम मत करो, टुकड़ों में मेरे देश को तकसीम मत करो। और आखिरी चार मिसरे और सुनाती हूँ, सुनेगा। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनेगा। कुर्बानियां शहीदों की रखना नजर में तुम, कुर्बानियां शहीदों की रखना नजर में तुम। दुश्मन की फौज मुल्क से जब तक हटा न दो, तुमको कसम है जंग से वापस न लौटना, तुमको कसम है जंग से वापस न लौटना। जब तक के माँ के दूध की कीमत चुका न दो, जब तक शुक्रिया। अब मैं आपको गजल की जानिब ले चलती हूँ। उससे पहले जाहिर है मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ गजल का माहौल बनाने के लिए, सुनिएगा। उसने मेरी वफाओं का कैसा सिला दिया, उसने मेरी वफाओं का कैसा सिला दिया। चाहत की काविशों से मेरा घर सजा दिया, सारे बदन से नूर टपकने लगा मेरे, ये किसने मुझको कांच से हीरा बना दिया, ये किसने मुझको कांच से बना दिया। और मैं एक नज्म नमा गीत नुमा नज्म पेश कर रही हूँ, और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, इसके बाद इजाजत चाहूंगी, सुनिएगा। जो न मुझसे हुआ काश कर पाओ तुम, जो न मुझसे हुआ काश कर पाओ तुम। तुम में खो जाओ मैं मुझ में खो जाओ तुम, तुम में खो जाओ मैं मुझ में खो जाओ तुम। बंद आँखें करो और सो जाओ तुम, बंद आंखें करो और सो जाओ तुम। ख्वाब की सेज पर मेरे हो जाओ तुम, ख्वाब की सेज पर मेरे हो जाओ तुम। जो न मुझसे हुआ काश कर
और ये पद भी सुनिएगा। लीजिए दिल किसी का अगर लीजिए, लीजिए दिल किसी का अगर लीजिए, लीजिए दिल किसी का अगर लीजिए, दीजिए अपना दिल भी उसे दीजिए, दीजिए अपना दिल भी उसे दीजिए। और गौरव जी ये मिसाल सुनेगा। ये मोहब्बत का दस्तूर है जानिबन, ये मोहब्बत का दस्तूर है जानिबन, अपने साजन पे खुद को फना कीजिए, खुद को फना कीजिए, जो न मुझसे हुआ काश कर पाओ तुम। और देखिए बच्चों, ये जो एक बचपन की लाइफ होती है, जब मैं भी कॉलेज में थी, स्कूल में थी, स्कूल में तो नहीं, जब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज में जाहिर है कि जब हम जाते थे और कई बार ऐसा होता था ना, आज तो बहुत चीप कमेंट होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में जब हम निकल के जाया करते थे तो लड़के होते तो ऐसे बोलते थे आप आसानी को, हम फर्क के देखा करते थे, और अगर जिस दिन सलाम नहीं होता था तो ऐसा लगता था कि आज के अच्छे नहीं लग रहे। तो देखिए ये एक होता है कि आज हमें किसी ने देखा नहीं है क्या है, लेकिन आज तो वो ये है कि यारों निगाहें नाज पे लाइसेंस क्यों नहीं, ये भी तो कत्ल करती हैं तलवार की तरह। आजकल तो मर्दों को देखना बेचारों को मुश्किल हो गया है देखते नहीं। सुनिएगा मेरे ये चार में से। पास आओ न लेकर सुलगता बदन, पास आओ न लेकर सुलगता बदन, पास आओ न लेकर सुलगता बदन, जिस्म की आँच से तन पिघल जाएगा, जिस्म की आँच से तन पिघल जाएगा। और ये तीसरा मिसरा मैं उधर लड़कों की नजर कर रही हूँ, बच्चों की नजर कर रही हूँ, सुनिएगा। कह कहे जब तुम्हारे लगे टॉफियाँ, कह कहे जब तुम्हारे लगे टॉफियाँ, कहे जब तुम्हारे लगे टॉफियाँ, दिल जो बच्चा है क्यों करना ललचा, बहुत शुक्रिया। Thank you.
मैं मुझे शिकायत है इस मंच से, मुझे शिकायत है चंद्रशेखर जी से, मुझे शिकायत है आपके प्रधानाचार्य जी से। मुझे आपने इतना बार बड़ा कहा, इतनी बार बड़ा कहा कि मैं आज स्वयं बहुत छोटा महसूस कर रहा। जहां प्रेम कुमार जैसे कथाकार बैठे हो, जहां किशोर जी जैसे लोग बैठे हो, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं। ये हिंदी की ताकत थी कि ये खराब थोड़ा टेलीविजन पर आने लगा। ये हिंदी की ताकत, ये हिंदी की ताकत थी कि इटावा के एक छोटे से गांव से निकलकर मैं देश के हर टीवी न्यूज चैनल पर आता जाता रहता हूं। हिंदी का एक दर्द बांटना चाहता हूं। श्याम सुंदर जी, श्याम कुंतल, बिल्कुल वो जी जी जी, आपका नाम आपकी भूगोल की बिल्कुल व्याख्या करता है। मैं आपको प्रतिनिधि में कवि हूं, आप बुरा मत मानना। अब श्याम कुंतल हो या श्याम कुंतल हो तो कोई ये बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका नाम उनके व्यक्तित्व से मिलता है। जी जी, चलिए चलिए बच्चे, ज्यादा खुश मत हो। अशोक शर्मा जी, क्षेत्रीय निदेशक यू, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेहाना शाही जी, आपकी प्रशंसा में माननीय प्रधानाचार्य जी ने जो शब्द कहे, अब मेरे पास बचे नहीं है तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं भी प्रणाम करता हूं आपको। गिरिराज किशोर जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में काम करते हैं, मैं अपने बच्चों को समझाता हूं। मैं भी 7 वर्षों से, सबसे पहले 600 बच्चों के स्कूल में प्रिंसिपल हुआ, फिर उस एक बड़ा स्कूल मिला, आज मैं एटा के श्याम बिहारी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में, जहां 1400 बच्चे हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात समझाता हूं, मैंने बच्चों से कहा कि अंग्रेजी उपभोग की भाषा है, अंग्रेजी बाजार की भाषा है, अभिव्यक्ति की भाषा तो केवल हिंदी हो सकती है। और मैंने ये कहा कि अंग्रेजी को सम्मान की दृष्टि से नहीं, बाजार में चीज खरीदते हम अंग्रेजी इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम, दुनिया की मांग है, बाजार की डिमांड है कि अगर आपको खड़ा होना है आज कैरियर में, अंग्रेजी हमारी जरूरत है, हिंदी जरूरत नहीं है, हिंदी जरूरत नहीं है। हिंदी तो हमारी सहज, हमारे रग रग में बसने वाली हमारी मातृभाषा, हमें उसको किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखना है। हिंदी को तो केवल सम्मान श्रद्धा की दृष्टि से देखना है, और उस दृष्टि से देखना है जिस दृष्टि से हम अपनी मां को देखते हैं, हिंदी को उसी दृष्टि से देखना है। अंग्रेजी सीखिए पर अंग्रेज मत बनिए। 4 पंक्ति मैंने कहीं लिखा था कि ट्विंकल ट्विंकल चाहे खूब सिखा देना, ट्विंकल ट्विंकल चाहे खूब सिखा देना, जहनों में भक्ति तहजीब लिखा देना, और बच्चों को अंग्रेज बनाने से पहले उनको जलियांवाला बाग दिखा देना, उनको जलियांवाला, उनको जलियांवाला बाग दिखा देना। हिंदी की जो भी दुर्दशा है उसमें कहीं ना कहीं, भाई साहब मैं एक तो महिला नहीं हूं तो ये स्थिति क्यों आ रहा है, एक विशेष करता रखता हूं और थोड़ी गंभीरता चाहता हूं। आप लोग थके तो बीच बीच में हंसाता रहूंगा, 5-10 मिनट में आपके बीच। आज हिंदी क्या कह रही है, हिंदी दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है, आज हिंदी क्या कह रही है, मैं विद्वानों का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। ओ भारत मैं तेरी बेटी तुलसी तेरे आंगन की, ओ भारत मैं तेरी बेटी तुलसी तेरे आंगन की, जन जन की भाषा हूं परिभाषा हूं सत्य सनातन की, सकल विश्व का संवर्धन हूं, पंक्तियां समझे, सकल विश्व का संवर्धन हूं दुविधा का निस्तारण हूं, नवजातों के मुख से निकला मैं पहला उच्चारण हूं, नवजातों के मुख से निकला। बच्चा तो पहली बार होता है वो इंग्लैंड का हो, बोलेगा मां, वो मां शब्द की साक्षात है सकल विश्व का संवर्धन हूं दुविधा का निस्तारण हूं, नवजातों के मुख से निकला मैं पहला उच्चारण हूं, तुलसी के मानस का दर्पण गीता का संबोधन हूं, तुलसी के मानस का दर्पण गीता का संबोधन हूं, मैं रहीम की दोहावली हूं कबीरा का उद्बोधन हूं, कृष्ण प्रेम हूं रसखानों का, कृष्ण प्रेम हूं रसखानों का, मीरा की परिपाटी हूं
भक्ति मार्ग पर विचरण करते सूरदास की लाठी। हिंदी क्या है? भक्ति मार्ग पर विचरण करते सूरदास की लाठी हूं मैं, दिनकर का इंकलाब हूं। हिंदी कहती है, मैं दिनकर का इंकलाब हूं, जयशंकर की छाया हूं, प्रेमचंद का गांव महादेवी की निर्मल काया हूं, प्रेमचंद का गांव महादेवी की निर्मल काया हूं, अरे मातृभूमि का हूं सिंगार, मातृभूमि का हूं सिंगार, मैं तीन रंग की चोली हूं, 57 से 47 तक आजादी की बोली हूं, 57 से 47 तक आजादी की बोली हूं, और अब ध्यान चाहूंगा, लेकिन हुआ क्या, मेरी गरिमा मान मेरा अपनों ने ही बिसराया है। सुने माता पिता भी सुना, बालक सुने, मेरी गरिमा मान मेरा अपनों ने ही बिसराया है, नए दौर के चाल चलन ने मुझको ही ठुकराया है, भारत हुआ इंडिया सबको बहुत पराई लगती है, भारत हुआ इंडिया सबको बहुत पराई लगती हूँ, अंग्रेजों की अंग्रेजी से आज सताई लगती हूँ, नए जमाने की माताएं होड़ लगाने वाली है। मैंने गाँव की औरतों को देखा था, बच्चा पास के टाउन में इंग्लिश मीडियम में जाने लगा, माता जागरूक हो गई, छत पर कौवा आया, बच्चे से बोली बेटा क्रो को भगा दो, क्रो को। आश्चर्य, अंग्रेजी दिखावे की भाषा नहीं, इसको सीखो, इसका उपयोग करो, पैसे कमाओ, परिवार पालो, ये इसकी औकात अंग्रेजी की केवल इतनी, केवल इतनी औकात अंग्रेजी, इसे सीखो, बाजार में खड़े हो, इससे पैसे कमाओ। हिंदी माँ है, हम माँ से पैसे नहीं कमाते, तो हिंदी और अंग्रेजी की बराबरी कभी नहीं हो सकती मित्रों, लेकिन हम करके आ रहे हिंदी के साथ, सुनिएगा, भारत हुआ इंडिया सबको बहुत पराई लगती हूँ, अंग्रेजों की अंग्रेजी से आज सताई लगती हूँ, नए जमाने की मौताएं होड़ लगाने वाली है, अंग्रेजी की मैराथन में दौड़ लगाने वाली है, अंग्रेजी की मैराथन में दौड़ लगाने वाली है, माँ से मम्मा कहलाने में ज्यादा अच्छा लगता है, माँ से मम्मा कहलाने में ज्यादा अच्छा लगता है, और पिता को डैडी कहना ज्यादा सच्चा लगता है, ट्विंकल ट्विंकल रटा रहे हैं चंदा मामा दूर हुए, कौन सी मेडल इसका, ट्विंकल ट्विंकल रटा रहे हैं चंदा मामा दूर हुए, जॉनी जॉनी यस पापा भी हर घर में मशहूर हुए, और ये संवेदना की पंक्तियां प्रेम कुमार जी मेरे 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 संवेदना तक आप पहुंचेगा, मैं कहना क्या चाह रहा, जॉनी जॉनी यस पापा भी हर घर में मशहूर हुए, अरे हल्लो हाय मची पड़ी है, हल्लो हाय मची पड़ी है, और नमस्ते छूट गया, जिंगल बैल बजी दादी का उड़न खटोला टूट गया। अब बच्चे को सुनाना तो जिंगल बैल बजाओ, दादी जो बचपन में उड़न खटोले की कहानियां सुनाती थी, कहां है कौन जिम्मेदारी से, हल्लो हाय मची पड़ी है और नमस्ते छूट गया, जिंगल बैल बजी दादी का उड़न खटोला टूट गया, हिंदी फिल्मों से, और ये सबसे ज्यादा जिनको आप आइकन मानते हो अपना, अनुष्का शर्मा, ये हीरो हीरोइन, सबसे ज्यादा हिंदी का अपमान ये फिल्मी बिरादरी करती है, क्यों करती है मैं बताता हूं, हिंदी फिल्मों से जिनकी मैं रोटी दाल चलाती हूं, हिंदी फिल्मों से जिनकी मैं रोटी दाल चलाती हूं, उन्हीं हीरोइन हीरो के हाथों से मारी जाती हूं, जिस हिंदी को बोल करोड़ों रुपए रोज कमाते हैं वो अपनी दिनचर्या में उस हिंदी को खा जाते हैं, वो अपनी इंटरव्यू से क्या फिल्में हिंदी की, लेकिन जब इंटरव्यू होते हैं साक्षात्कार होते हैं तो क्या अंग्रेजी झाड़ते हैं, मैं तो कहता हूं अंग्रेजी से इतना प्यार है तो हॉलीवुड फिल्मों में जाके काम करो, औकात पता चल जाएगी, ये तो हम उत्तर भारतीय है, हिंदी भाषा बोलने वाले करोड़ों लोग हैं जो तुम्हारी फिल्मों के बजट की पूर्ति करते हैं, ये हिंदी का अपमान करते हैं, तब इनसे कहता हूं कि हिंदी है सम्मान वतन का, हिंदी है सम्मान वतन का, बस फिल्मी व्यापार नहीं, जो हिंदी ना बोले उसको अभिनय का अधिकार नहीं, जो हिंदी ना बोले, ये कौरव चौहान कहे अब भारत की संतानों से, निज भाषा की उन्नति सीखो चीन और जापानों से, मैं हिंदी घायल हूं खुद ही जख्मों को सहलाती हूं, मुझको मेरा मान दिला दो मैं झूली फैलाती हूं, मुझको मेरा, ये आज हिंदी का गर्व है, हम लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ मैं अपना तेवर सुना दूं, चार पंक्तियां बिल्कुल ताजी, बुढ़वा मंगल सबने मनाया, बुढ़वा मंगल सबने मनाया था नहीं पता नहीं आप लोगों को, बुढ़वा मंगल अभी निकला उसकी बताइए, ये
ये हमारी संस्कृति का देखिए विकास हो रहा है। बच्चों को ये पता नहीं प्रभु मंगल कब था। चलिए अब क्रिसमस डे का याद रखेंगे आप, मुझे याद करेंगे। सेंटा क्लॉज कब बनना है मुझे याद आपको रखेंगे। चलिए आप तो बताएं बुढ़वा मंगल था ना अभी। चलिए चार पंक्तियां रखता हूं हम तमाम किसी में राम आपको पता है। हाँ अभी हुआ था पिछले शनिवार। चार पंक्तियां रखता हूं। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। और धारा 370 हटी, इधर मोदी जी ने बड़ा काम किया। हालांकि मैं किसी संस्था किसी दल किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और मेरी बीवी दरअसल देशभक्त है। तो चार पंक्तियां मोदी जी ने जो किया, चार पंक्तियां एक तो आपने बताया नहीं थी मुझे कविता पढ़नी है, तो मैं तैयारी के साथ में आया था, तो मैं सुनाता हूं। मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए। आ बोलो। मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए, धारा हटा के धात भी अपनी जमा गए, धारा हटा के धात भी अपनी जमा गए। हम सोचते रहे कि 15 लाख मिलेंगे, हम सोचते रहे कि 15 लाख मिलेंगे, मोदी हमारे हाथ में जन्नत थमा गए। देखो मैं बदनाम हूँ चीखने चिल्लाने के लिए, लेकिन मित्रों मैं गाता भी बहुत अच्छा हूँ। मैं ऐसा गाता हूँ जब मैं गाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लता मंगेशकर गा रहा है। एक और मैं पंक्ति भूलना बहुत अच्छी पंक्तियां है। मोदी ने बांट दी है, ये बच्चे ये बड़े बुजुर्ग समझेंगे कविता की भाषा है। एक तो तुम लोगों की जनरल नॉलेज बहुत खत्म हो गई है। सुनना सुनना, अगर समझ में आए तो ताली बजेंगे तो मैं समझूंगा तुम्हारा सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है। मोदी ने बांट दी है जख्मों को अब दवाएं, उन पर बरस रही है श्यामल अटल दुआएं, उन पर बरस रही है श्यामल अटल दुआएं। पहली दवा लगा है, धारा 370 रखने के बाद वास्तव में चित्र क्या बना। पहली दफा लगा है कटरा से मिली काशी, क्या बात है। अब सुना, पहली दफा लगा है कटरा से मिली काशी, डल झील तक चली है गंगा की अब हवाएं, डल झील। मोदी जी ने जो काम किए सब पीड़ित हैं, चिदम्बरम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पी चिदम्बरम जानते हो आजकल वो कहां है, किस लिए है? हाँ जो भी उनका ज्यादा पैसे कमा लिए। हाँ अब देखो बेचारा, अब सुनिए सुनिए दादा, मैं तो वर्तमान जी दादा जी दादा देख देख दादा झेल लीजिए बच्चे देखिए ऐसा है, अपनी चिंता कम होती है आगे की पीढ़ी की। बिल्कुल बिल्कुल आप इतना अच्छा गा रहे हैं और अच्छा है। जी चलिए चलिए चलिए, देखिए कवि वर्तमान को गाता है, मैं जो कुछ पढ़ूंगा बच्चों अगर उसमें से एक भी बनावटी हो तो मुझे टोक देना। जो घटता है गौरव चौहान वो लिखता है, तो मैंने जो देखा चिदम्बरम जी की हालत तो मैंने उसमें लिखा। सुनिए मैं मानूंगा नहीं सुनाऊंगा।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए 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 मैं अच्छी कविता सुनाऊंगा, आप चिंता मत करें। अच्छा साउथ इंडिया में कहते हैं ना ईश्वर को बप्पा बोलते हैं, बप्पा क्या बोलते हैं बप्पा। तो चिदंबरम जी ये एक पैरोडी विधा है मित्रों जिसको कहते हैं प्रतिगीत, फिल्मी गीतों पर जो मैं लपेटे में नेताजी में अक्सर सुनाता हूँ, सुनिएगा। अब चिदंबरम जी गाना गा रहे हैं बप्पा मेरे ये पुलिस किसी को ऐसे ना कर पाए हाय सारे राज रहे इस दिल में होंठों तक ना आए ना आए। मुझे धर ले गई सीबीआई मोदी से अब क्या कहना, मुझे घर ले गई सीबीआई मोदी से अब क्या कहना। अरे मेरी शाह ने करी भुलाई, मेरी शाह ने करी भुलाई मोदी से अब क्या कहना। मुझे घर ले गई सीबीआई मोदी से अब क्या कहना। बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। मैं भी तो मिनिस्टर था जब वो गृह मंत्री थे चिदंबरम साहब, तो उस दिन याद, उस दिन को याद कर रहे हैं। तोते मैंने भी पाले सब अपने काम निकाले सरकारी उन पोतों ने, क्या कहूं उन्हीं तोतों ने मेरे पेटी चोंच घुसाई, मेरे पेटी चोंच घुसाई मोदी से अब आगे बढ़ो। बच्चों यहां पर बात चली थी अभी सांप्रदायिक सद्भाव की। हिंदू समाज ने सदैव पीढ़ियों से सारी संस्कृतियों का स्वागत किया, हमने दुनिया को गले लगाना सिखाया कि गले कैसे लगाते हैं मित्रों। लेकिन जब इसी देश के विश्वविद्यालय के परिसर से जब नारे लगते हैं और अपने ही देश के लोगों द्वारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, तब हमें लगता है कि सांप्रदायिक सद्भावना का ठेका केवल एक पक्ष का नहीं दोनों पक्षों का है। और जो भारत को तोड़ना चाहते हैं मित्रों, मुझे नहीं जान, मैं मुझे नहीं पता कि मुझे कितने युवा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये पंक्तियां इस देश की युवा शक्ति की आवाज बनी है। पिछले एक साल से पढ़ रहा हूं और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के सभागार में पढ़ के जाऊंगा, उनको बताना चाहता हूं जो चाहते हैं भारत की बर्बादी इतना आसान नहीं है। खालिद मियां सुन लें, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। अगर आपके अंदर जरा सा भी देशभक्ति का एक कतरा भी हो तो उसे समंदर बना के तालियां बजाना। सुन ले जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा थुक नहीं सकता। प्रणाम करता हूं, चार पंक्तियां केवल दो मिनट और दे दीजिए, मुझे पता है अब मुझे भी जाना है, फ्लाइट आपने नहीं कराई मुझे पकड़नी भी है, तो जल्दी जाना है, कल मेरा उदयपुर में 14 सितंबर का कार्यक्रम है, आप सबका आशीर्वाद सब हो कुछ अच्छा करके आऊं। यहां बच्चों की थकान दूर करने के लिए सब हास्य करना पड़ा, वरना मेरे पास इतनी गंभीर रचनाएं हैं कि सभी बुजुर्ग लोग मुझे गले लगा लेंगे और कहेंगे अगला तुलसीदास तो तू ही है। इतनी गंभीर रचनाएं मेरे पास बच्चों के बीच में, थोड़ा उनका हल्का जमा कर। आपको हनी सिंह पसंद आते होंगे, मीका सिंह पसंद आते होंगे, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं ये वो लोग हैं जो इस देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बनना क्या है मेरे बहन भाइयों, ये पंक्तियां घर तक ले जाना, आपको बनना क्या है भ्रष्ट अनैतिक क्रूर चलन पर तुम पक्के प्रतिबंध बनो, आगे चलकर इस देश की बागडोर आपको संभालनी। भ्रष्ट अनैतिक क्रूर चलन पर मंच भी ध्यान दे, भ्रष्ट अनैतिक क्रूर चरण पर तुम पक्के प्रतिबंध बनो,
कजरा वाले नैनों को छोड़ो, अब भूषण के छंद बनो। कजरा वाले नैनों को छोड़ो, अब भूषण के छंद बनो। और भारत माता बिलख रही है, भारत माता बिलख रही है, अपने पांव के छालों पर भारत माँ के पग धोने को आज विवेकानंद बनो, भारत माँ के पग धोने को। और मित्रों मैंने भी आपको बता दूं, आप सब युवा काल के पायदान पे खड़े हो, मैं भी युवा हुआ था, आज भी मैं 38 साल का नौजवान हूं। लोग 56 साल के नौजवान घूम रहे हैं देश में, मैं 38 साल का हूं। मैंने कभी किसी हीरो हीरोइन की नाच नक्श पर कोई गजल कविता नहीं लिखी। उस समय भी हुए हुए करती थी जूही चावला शिल्पा शेट्टी, कभी कुछ नहीं लिखा। ये माधुरी दीक्षित कृष्णा कपूर, ये कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, हट कभी किसी पर नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा, और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं, इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं। आखिरी कविता सुना के मैं अपना स्थान अपना क्रियाक्रम करता हूं। मैं यहां से आखिरी कविता वो इसलिए जरूरी है कि एक आवाज आई थी कि पाकिस्तान को मोहब्बत क्यों नहीं हो रही आपस में। एक ही तरीका, और मैं तरीका बता देता हूं रियाना शाह जी को, ना शायरों के वहां जाने से कोई मोहब्बत आएगी। एक ही तरीका है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, केवल एक ही तरीका है जिससे मोहब्बत आएगी, वो ये कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लो। वो कैसे भी मिलाओ, और आजकल तो आप सुनिए, अब सुनिए, अब वो कह रहे कश्मीर दो, कश्मीर दो, कश्मीर दो, हम अपनी ट्रेनों बस में विंडो वाली सीट देती नहीं, इनको कश्मीर दे देंगे। सुनिए, अब सुनिए, देखिए ऐसा है, देखिए अब सुनिए, मैं देखिए मैं देश के साथ हूं, मैं देश की सेना के साथ हूं, मुझे पता नहीं आपको किसके साथ है, मैं अपनी बात करूंगा। सुनिए, मांगत, अब मैंने पाकिस्तान से कहा मांगत मांगत पुरखा मर गए फिर भी अब तक मांग रहे, मांगत अंधी बनता है, बच्चे याद करेंगे, मांगत मांगत पुरखा मर गए फिर भी अब तक मांग रहे, जिसमें ना तारीख है कोई वही कैलेंडर टांग रहे, जिसमें ना तारीख है कोई वही कैलेंडर टांग रहे, कर्नल मर गए जनरल मर गए जीने के हालात नहीं, फिर भी तुम अपनी पहचाने अब तक क्यों औकात नहीं, अपने हथियारों से ही अपने तालियां अपने हथियारों से ही खुद घायल ही हो ना जाओ, अपने हथियारों से ही खुद घायल ही ना हो जाओ, कश्मीर रखते रखते तू पागल ही ना हो जाओ, कश्मीर रखते रखते तू पागल ही ना हो जाओ। ये देखिए इस पर ताली अपने आप आएगी, कश्मीर रखते रखते तू पागल ही ना हो जाओ, डर लगता है, डर लगता है कोड वर्ड ही गलत जोड़ना लेना तुम, डर लगता है कोड वर्ड ही गलत जोड़ना लेना तुम, अपने ही ऊपर एटम बम कहीं फोड़ना लेना, डर लगता है कोड वर्ड ही गलत जोड़ना लेना तुम, अपने ही ऊपर एटम बम कहीं फोड़ना लेना तुम, पागल खाने पागलपन का है इलाज, आगरा चलो बतला देंगे, ताजमहल के साथ में हम पागल खाना दिखला देंगे, ओ बुद्धू इमरान समझ जाओ वरना पछताओगे, तालियां मांगता हूं। इससे भी विस्फोटक कविताएं, लेकिन मुझे मंच की थोड़ी चिंता हो रही है इसलिए मैं साधारण कविता करता हूं। ओ बुद्धू इमरान समझ जाओ वरना पछताओगे, गधे बेचने वाले तुम शेरों से क्या टकराओगे, गधे बेचने वाले तुम शेरों से क्या टकराओगे। अब फिर से कविता की बनते पीछे तो खेल कर लेता हूं, आ रहा है आप वहां करेंगे गधे बेचने वाले तुम शेरों से क्या टकराओगे, कश्मीर को छोड़ मीर की गजलें गाना शुरू करो, वाह, कश्मीर को छोड़ मीर की गजलें गाना शुरू करो,
मोदी जी के पैर पकड़ लो, भीख मांगना शुरू करो। मोदी जी के पैर पकड़ लो, भीख मांगना शुरू करो, वरना कुछ दिन में तुम इतने फटे हाल हो जाओगे, दुनिया भर के थप्पड़ खाकर लाल गाल हो जाओगे। अरे बालाकोट तो सिर्फ ट्रेलर था, ये भाषा गौरव चौहान बोलता है, बालाकोट तो सिर्फ ट्रेलर था, अरे पूरी फिल्म उतारेगा ये भारत है नया, तुम्हें अंदर तक घुस कर मारेगा। और मित्रों मुझे इतना उतना बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जीवन में नहीं बनना जहां मैं अपने देश के सैनिकों के साथ ना खड़ा होता हूं। मैं उस तरह का बुद्धिजीवी नहीं बनना चाहता, गवार हूं सैनिकों के साथ, तो भारत माता के साथ। बालाकोट सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म उतारेगा ये भारत है नया, तुम्हें अंदर तक घुसकर मारेगा। अरे पूरा पाक खिला देने को, पूरा पाक खिला देने को एक वचन ही काफी है, एक हमारा मूंछों वाला अभिनंदन ही काफी है, एक हमारा मूंछों वाला अभिनंदन ही काफी है। अब छेड़ा तो क्षण भर में ये चादर खोल बदल देंगे, अब छेड़ा तो क्षण भर में ये चादर खोल बदल देंगे, इतिहासों का पता नहीं हम पूरा भूगोल बदल देंगे, इतिहासों का पता नहीं पूरा भूगोल बदल देंगे। 24 घंटे नहीं लगेंगे, अंतिम पंक्तियों तक पहुंचता हूं, 24 घंटे नहीं लगेंगे, है सौगंध विधाता की, ये इस्लामाबाद करेगा जय जय भारत माता की, ये इस्लामाबाद करेगा जय जय भारत माता की। कुछ दिन में तस्वीर बदल देंगे पूरे पाकिस्तान की, कश्मीर से सिंध तलक जद होगी हिंदुस्तान की। और मित्रों आश्चर्य की बात नहीं, ये पीओके कब आने वाले दिनों में इंडिया में शामिल हो जाए, धारा 370 भी असंभव लगती थी लेकिन हुआ, तो पीओके में भी तैयार हो, कुछ भी हो सकता है, सारे जहां से अच्छा वाला। और जिस दिन ये सब हमारी सच में आ गए तो क्या होगा, सारे जहां से अच्छा वाला गीत बलोची गाएंगे, सारे जहां से अच्छा वाला गीत बलोची गाएंगे, पेशावर की गलियों में हम बाटी चोखा खाएंगे, पेशावर की गलियों में हम बाटी चोखा खाएंगे, गिलगित से लाहौर तलक, गिलगित से लाहौर तलक सब हम तिरंगा चूमेंगे, रावलपिंडी की सड़कों पर गणपति बप्पा झूमेंगे, रावलपिंडी की। और अंतिम पंक्ति मुझे विदाई दे देना, रावलपिंडी की सड़कों पर गणपति बप्पा झूमेंगे, और माफी फिर इमरान बाजवा, माफी माफी फिर इमरान बाजवा मांगेंगे गुजराती में, और मोदी रावण दहन करेंगे अब की बार कराची में। Yeah.
है।